Hello everyone, welcome back to WS Cube Cyber Security. This is Ankur Joshi signing in. Guys, अगर आप साइबर सिक्योरिटी को जानते हैं या फिर WS Cube साइबर सिक्योरिटी से जुड़े हुए हैं तो आपको ये जरूर मालूम होगा कि रेड टीम एंड ब्लू टीम क्या होती है। इसके बारे में हमने बहुत डिस्कस करा है। आपने कहीं ना कहीं रेड टीम, ब्लू टीम, पर्पल टीम या टीम्स के नाम सुने होंगे साइबर सिक्योरिटी में, बट आपको एग्जैक्टली शायद आइडिया हो या ना हो, तो इसी वीडियो में हम इसके बारे में जानेंगे। अब क्या सिर्फ हम इन तीन के बारे में जानेंगे? नहीं, हम डिटेल में सारे कलर्स एक्सप्लोर करेंगे साइबर सिक्योरिटी के। अब सबसे पहले जो मोस्ट पॉपुलर है, जो कि है रेड टीमिंग। अब ये ऑफेंसिवली वर्क करते हैं। रेड टीमिंग यानी ऐसी टीम जो ऑफेंसिवली अटैक करती है, बग्स निकालती है एंड फिर वो बग्स रिपोर्ट करती है ताकि वो रिजॉल्व कराया जाए। अब यहाँ पर रेड टीमिंग का प्रॉपर फोकस रहता है अटैक्स पे। अभी ऑर्गेनाइजेशन की प्राइवेसी को हार्म करने के लिए या सिक्योरिटी को हार्म करने के लिए नहीं है, ये अटैक्स करती है ताकि इन्हें पता चले कि कहां कहां से एक रियल अटैकर अटैक कर सकता है, ताकि वो एक ऑर्गेनाइजेशन की सिक्योरिटी और इम्प्रूव कर सके। तो यानी यहां पर ओवरऑल पेंट्रेशन टेस्टिंग, सोशल इंजीनियरिंग, एक्सप्लॉयटेशन, इन सब चीजों का या फिर एन्यूमरेशन, ऐसी टेक्निक्स का यूज ज्यादा किया जाता है। यानी एथिकल हैकिंग एंड पेंट्रेशन टेस्टिंग इसी फील्ड का पार्ट है। और अगर आप ये सारी चीजें सीखना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं WSCH बैच। अब इस बैच में ऐसा क्या खास है? देखिए, WSCH बैच में आपको 20 प्लस प्रीमियम मॉड्यूल्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ ही साथ कई सारे अमेजिंग टूल्स आपको मिलेंगे, क्विजेस, असाइनमेंट्स एंड टेस्ट, ये आपको अपस्किल करेंगे। आपको चीट शीट्स प्रोवाइड होगी एंड नोट्स प्रोवाइड होंगे ताकि आप अपनी नॉलेज को और ज्यादा रिफाइन कर सकें। प्रॉपर थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स पे काम किया जाएगा, यानी आप थ्योरी भी सीखेंगे और साथ ही साथ प्रैक्टिकल्स पे ज्यादा फोकस करेंगे। प्रैक्टिकल लैब सेटअप करी जाएगी, उनके असाइनमेंट्स होंगे एंड मेनी मोर। अब ज्यादा डिटेल के लिए आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, बट अभी के लिए हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंटर पे, जो कि है ब्लू टीमिंग। ब्लू टीमिंग डिफेंसिवली वर्क करती है, यानी टेक्निकली देखा जाए तो रेड टीमिंग जो आपका आउटपुट निकाल रही है, बग्स निकाल रही है, कमियां निकाल रही है, वो ब्लू टीमिंग को बताते हैं और वो उन्हें रिजॉल्व करते हैं। अब अक्सर ऐसा होता है, बट कई केसेस में अगर और ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर इसको और रिफाइन करा गया है तो ब्लू टीमिंग का काम इतना नहीं रहता। इस केस में ब्लू टीमिंग का काम मॉनिटरिंग का रहता है कि वो सिस्टम को मॉनिटर करेंगे, इंसिडेंट को रिस्पॉन्स करेंगे, इंसिडेंट्स को कैप्चर करेंगे एंड साथ ही साथ ओवरऑल सिक्योरिटीज पे ध्यान देंगे। तो यहाँ पर ये ज्यादा काम आ जाता है ब्लू टीमिंग का, यानी डिफेंसिवली वर्क करते हैं रियल टाइम में। एक वेबसाइट पर अटैक हो रहा है तो डिफेंसिंग का काम ब्लू टीमर्स करेंगे। अब बारी आती है यहाँ पर हमारे थर्ड कलर की, पर्पल टीमिंग की। पर्पल टीमिंग रेड एंड ब्लू टीम का मिक्सचर है, यानी यहाँ पर अटैकिंग भी होगी, डिफेंसिव भी होगी। यानी आप अटैक करना भी जानते हैं, डिफेंस करना भी जानते हैं, तो आप पर्पल टीमिंग का पार्ट है। यानी पर्पल टीमिंग के अंदर रेड एंड ब्लू टीम दोनों ही साथ रहती है। अगर एक इंडिविजुअल एक ऐसी टीम का पार्ट है जहाँ पर उन्हें एंड बाकी सबको अटैकिंग साथ ही साथ डिफेंसिव दोनों चीजें आती है, तो वो एक पर्पल टीम का पार्ट है। नेक्स्ट आती है हमारी ग्रीन टीमिंग। हाँ, ग्रीन टीमिंग भी एक पार्ट है, ऐसे और भी टीम्स है जिन्हें हम डिस्कस करेंगे। ग्रीन टीम के अंदर सिक्योर डेवलपमेंट, कोड की प्रॉपर सिक्योरिटी, यहाँ पर ये ज्यादा फोकस करा जाता है। इसको आप DevSecOps की तरह समझ सकते हैं, यानी डेवलपमेंट सिक्योरिटी ऑपरेशंस, इस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी ओवरऑल ग्रीन टीमिंग में ध्यान ये दिया जाता है कि आप सही तरीके से कोड बना रहे हैं, उसमें सारी सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस जो है, जो नेसेसरी है, उन्हें फॉलो कर रहे हैं। कहीं भी जो मोस्ट कॉमन बग्स हैं उन्हें आप कहीं भी कोड के सेक्शन में अगर कोई कॉमन बग फाइंड आउट होता है तो उसे रिजॉल्व करना, उन पे सभी पे बग्स को चेक करना, ये सारा ग्रीन टीमिंग का काम आता है। नेक्स्ट टीम आती है हमारी येलो टीम। अब येलो टीम का मेन फोकस रहता है गवर्नेंस या फिर पॉलिसीज पर। ये पॉलिसीज बनाती है, उन पॉलिसीज को अच्छे से फॉलो किया जा रहा है या नहीं ये देखते हैं। यानी एक सिक्योरिटी पॉलिसी बनाएंगे येलो टीम, उन सिक्योरिटी पॉलिसीज को सही से एम्प्लॉयज या लोग फॉलो कर रहे हैं या नहीं ये ध्यान रखेंगे येलो टीम वाले। तो ओवरऑल अच्छे से प्राइवेसी पॉलिसीज को बनाना, सिक्योरिटी फ्रेमवर्क्स को डिजाइन करना, तो ये इनका काम होता है। साथ ही साथ ये सिक्योरिटी ऑडिटिंग भी करते हैं, साथ ही साथ ये रिस्क मैनेजमेंट, सिक्योरिटी ऑडिटिंग, इन सब चीजों में भी ध्यान देते हैं। तो ये ओवरऑल ये सारी चीजें इनकी फील्ड में आती है, जो कि है येलो टीमिंग। नेक्स्ट आता है व्हाइट टीमिंग। अब व्हाइट टीमिंग थोड़ी ऐसे सर्विलियंस टाइप वर्क करती है या फिर आप मैनेजिंग टाइप ऑफ वर्क समझ सकते हैं। व्हाइट टीमिंग का काम होता है ओवरसाइट या मैनेजमेंट करना, यानी ये बाकी टीम्स पे नजर रखते हैं, बाकी टीम्स की सिक्योरिटीज का ध्यान रखते हैं कि वो सही से सिक्योरिटी टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो कर रहे हैं, पॉलिसीज सही से प्रॉपर फॉलो कर रहे हैं या नहीं, गाइडलाइंस फॉलो हो रहे हैं या नहीं, फेयर प्ले
एक सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है या नहीं हो रहा है, आपस में कुछ टीम सिक्योरिटी पॉलिसीज को हार्म तो नहीं कर रही है, इन सब चीजों का ध्यान रखने का काम व्हाइट टीम करती है। यानी तो प्रॉपर मैनेजिंग काम जो होता है साइबर सिक्योरिटी में वो व्हाइट टीमिंग करते हैं। नेक्स्ट आते हैं ब्लैक टीमर्स। अब ब्लैक टीमर्स जो है या ब्लैक टीम जो होती है ये रियल लाइफ सिनेरियोस को इम्प्लीमेंट करते हैं। यानी इनका काम होता है एडवर्सल स्टिमुलेशन का, यानी जो भी नहीं होना चाहिए वो स्टिमुलेट करके दिखाते हैं ताकि उसे सिक्योर कराया जा सके। यानी रियल लाइफ में अगर अटैक होता है इन पे तो एक अटैकर कैसे अटैक करेगा वो ये स्टिमुलेट करके दिखाते हैं ताकि उसकी सिक्योरिटी बढ़ाई जा सके। अब आपको लग रहा होगा ब्लैक और रेड टीम में थोड़ी बहुत सिमिलैरिटीज है, राइट? लेकिन रेड टीमिंग में टेस्टिंग फेज में परमिशन लेते हैं, लेकिन यहाँ पर ये टीम प्रॉपरली रियल अटैकर की तरह अटैक्स करती है कि रियल अगर कोई हैक करना चाह रहा होगा तो बिना परमिशन के करेगा, कैसी चीज़ें करेगा, वो चीज़ें प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करती है ताकि ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की या एक पर्टिकुलर सिस्टम की या एक पर्टिकुलर डिवाइस की सिक्योरिटी इंप्रूव हो। तो ये थे सारे कलर्स साइबर सिक्योरिटी के। होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो। अब इनमें से कौन सी टीम का आप पार्ट बनना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और हाँ, अब इनमें से अगर आप जो अटैकिंग टीम्स हैं जैसे रेड टीमिंग, ब्लैक टीमिंग, इन फील्ड्स में करियर बनाना चाहते हैं और ऐसी स्किल सेट सीखना चाहते हैं तो WSCEH एंड WSPEN ये दो कोर्सेज आपके लिए बेटर रहेंगे। आप डिटेल डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को शेयर जरूर करना एंड अपना फेवरेट कलर कमेंट जरूर करना। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में और नए टॉपिक्स के साथ। टिल देन दिस इज अंकुर जोशी साइनिंग ऑफ।